कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई? देखिए, थाना पश्चिम सरीरा के ग्राम देवरी में 13/14 मार्च की रात में राम सूरत नाम के एक 55 वर्षीय युवक की हत्या की गई थी। उसके चेहरे पर धारदार और कुंद हथियारों से हमला किया गया था। घटना के अनावरण के लिए कई टीमें लगी हुई थी और जिन लोगों की नामजदगी FIR में की गई थी उनसे पूछताछ की गई और ये पाया गया कि इनकी नामजदगी गलत है। जो शक हमारी विवेचना करने वाली टीम को मिला वो उसके बेटे के ऊपर गया। दरअसल ये जो मृतक है इसने ये अपने ननिहाल में थाना मंझरपुर के फिलखा गांव में रहा करता था। वहाँ इसको 20 बीसवा जमीन पट्टे पर मिली हुई थी जिसका इकरारनामा इसने 2 लोगों से 5 लाख रुपए में किया था। बेटे का इसका ये मानना था, जो धर्मेंद्र को आज हम लोगों ने अरेस्ट किया है, उसका ये मानना था कि इसकी कीमत लगभग 40-50 लाख रुपए है और मेरे पिता ने जो है कि 5 लाख रुपए में इकरारनामा कर दिया है। उसको कैंसिल कराने के लिए कई बार अपने पिता से कहा, वो नहीं माना। कुछ उसको उसके चरित्र पर भी संदेह था और कुछ वो ये चाहता था कि अगर हम अपने पिता को मार देंगे तो हमें सरकारी सहायता भी मिल जाएगी, इसीलिए उसने प्लान करके इसे मारा था। जब हम लोगों ने उसे पकड़ा तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जो आला कत्ल है, फरसा और जो पत्थर है जिससे उसके चोट पहुंचाई गई थी उसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है और आज वो जेल भेजा जा रहा है। उसकी जो सर्च हिस्ट्री है मोबाइल फ़ोन की वो हम लोगों ने देख लिया है। उसमें हत्या करने के तौर तरीकों के बारे में इसने सर्च किया है, उसी से वो टूटा भी, तो पूरी घटना का खुलासा हो गया है और खुलासा करने वाली टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया। सर, हत्या का आरोप भी लगाया था अपने मामा के लड़कों पर? हाँ, वो फर्जी नामजदगी थी, वो जिनके ऊपर आरोप लगाया था वो अपने घरों पर मिल गए थे। तभी पुलिस को एक नई दिशा मिली कि ये तो जिसके ऊपर आरोप लगा रहा है वो गलत है और उसको बहुत ही तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का भी सहारा लिया गया और स्थानीय स्तर पर जानकारी की गई, उसी आधार पर इस घटना का खुलासा हुआ है।